अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं डाटा को राइट करने के लिए अपनी फाइल के अंदर, और डाटा को वहाँ से रीड करने के लिए फाइल से। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा कैन बी रिटर्न टू द फाइल करेक्टर बाय करेक्टर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ पुट सी फंक्शन को, डाटा को करेक्टर बाय करेक्टर फाइल में पुट करने के लिए। यानी अपने कुछ लंबा पैराग्राफ लिखना है और आपको लेंथ नहीं पता कितनी लेंथ होगी उसकी, तो उसके लिए हम करेक्टर बाय करेक्टर डाटा इनपुट करते हैं फाइल में। हम उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पे लिमिट क्या रहेगी हमें बिल्कुल नहीं पता होता उसका। तो इसलिए हम एफ पुट सी फंक्शन को यूज़ करते हैं करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को पुट करने के लिए फाइल में। तो उसके लिए हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेक्स, सेंटेक्स मेरे पास क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं एफ पुट सी, और फिर जो करेक्टर जहाँ स्टोर होता है उसको यहाँ पे उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं, और फिर फाइल पॉइंटर का नाम लिख देते हैं ताकि फाइल को पॉइंट किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, एफ पुट सी फंक्शन है जिसमें हमने सी एस में जो वैल्यू पड़ी है वो माई फाइल नाम के पॉइंटर में स्टोर कर दी है, यानी जो भी डाटा हमारे पास यहाँ पे सी एस में पड़ा हुआ है। इसकी अगर कोड इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने राइट किया हुआ है जिसमें मैंने क्या किया है, आउट नाम का फाइल पॉइंटर बनाया है और सी एस नाम का करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, और फाइल को आउट फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट एफ ओपन फंक्शन के जरिए ओपन किया और राइटिंग मोड में ओपन किया क्योंकि मैं राइट करना चाहता हूँ। और फिर प्रिंट एफ के जरिए मैंने बोला है एंटर करेक्टर, और अगर करेक्टर एंटर करने स्टॉप करने हैं तो फिर आपने डॉट प्रेस कर देना है तो एंटर होना स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही यूज़र पहला करेक्टर एंटर करेगा वो सी एच में स्टोर हो जाएगा और फौरन ही लूप चल जाएगा। और लूप तब एंड होगा जब तक वो डॉट नहीं एंटर कर देता यूज़र, तब तक जब तक डॉट नहीं एंटर कर देता। और ये लूप हर दफ़ा जब चलेगा तो जो करेक्टर सी एच में स्टोर हुआ होगा उसको आउट फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट फाइल में फेंक देगा और फिर से आपसे सी एच की वैल्यू गेट करेगा गेट सी एच के जरिए। और यहाँ पे गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि जो भी करेक्टर गेट हो वो स्क्रीन पर प्रिंट भी होता जाए, और यहाँ पे सी एच में स्टोर हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा तो सी एच में जो डाटा पड़ा होगा अगला करेक्टर वो भी फाइल में पुट हो जाएगा, फिर लूप चलेगा। यानी लूप तब तक चलता जाएगा जब तक डॉट नहीं आप एंटर करते, और जब तक लूप चलता जाएगा तब तक सी एच की वैल्यू जो भी होती रहेगी नेक्स्ट 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 उसको आउट फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट जो फाइल ओपन हुई होगी उसमें रखता जाएगा। और ये एफ क्लोज फंक्शन है जो कि जैसे ही लूप बंद होगा एफ क्लोज फंक्शन के जरिए हम फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल की एसोसिएशन ख़त्म कर देंगे। हम इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। कंपाइलर रन किया और देखिए मैं इसमें करेक्टर लिखना शुरू करता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर वेरी गुड टू यूज़। तो मैं जैसे डॉट एंटर करूँगा ये लूप बंद हुआ और ये प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया। अब चेक करें जहाँ पे ये स्टोर है, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल बन गई है, ओपन किया तो देखें कंप्यूटर एप्लीकेशन आर वेरी गुड टू यूज़, तो हमारे पास ये डाटा फाइल में स्टोर हो गया। तो ये करेक्टर बाय करेक्टर मेथड है डाटा को फाइल में पुट करने के लिए, और क्योंकि मैंने डब्ल्यू मोड में ओपन किया है इसलिए अगर मैं जैसे दोबारा कंपाइलर रन करूँगा और मैं यहाँ पे दोबारा सिर्फ लिखता हूँ कंप्यूटर और डॉट प्रेस कर देता हूँ तो अब मेरी फाइल में सिर्फ कंप्यूटर ही लिखा आएगा क्योंकि पहले से डाटा पड़ा हुआ है वो अरेज हो जाएगा और यहाँ पे नया डाटा पुट हो जाएगा, यानी ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा अरेज हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा भी सेव रहे तो फाइल को फिर राइटिंग मोड में नहीं फिर अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा, और अपेंडिंग मोड क्या करेगा पहले से मौजूद डाटा के आगे ही आपका डाटा पुट करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसका गेटिंग फंक्शन भी देख लेते हैं, यानी अगर आप चाहते हो कि आपने रीड करना है डाटा को तो उसके लिए एफ गेट सी होता है। जैसे एफ पुट सी होता है डाटा पुट करने के लिए करेक्टर बाय करेक्टर, तो एफ गेट सी फंक्शन होता है करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटेक्स लिखा हुआ है, सेंटेक्स में आपने क्या लिखना है, सेंटेक्स में आप लिखना है एफ गेट सी फंक्शन और फाइल पॉइंटर का नाम लिख देना, और ये सारा काम किसके अगेंस्ट करना है, किसी वेरिएबल के अगेंस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया सी एच और एफ गेट सी फंक्शन के जरिए माई फाइल पॉइंटर से डाटा गेट किया। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम भी बना हुआ है जैसे ये है, इसमें मैंने क्या किया फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया टेस्ट डॉट टी एच टी फाइल को, और रीडिंग मोड में ओपन कर बल्कि इसकी वेरिफिकेशन भी करवाई है मैंने ताकि मुझे पता चल जाए कि फाइल ओपन हो गई है ना, फाइल ये ना हो कि ओपन ना हुई हो
और मैं परेशान हूँ कि यार डाटा क्यों नहीं रीड हो रहा वहाँ से। तो इसलिए मैंने फाइल ओपन वेरिफिकेशन करवाई है और एक लूप लगाया है जिसमें मैं CS के इक्वल वो डाटा गेट करूँगा करेक्टर बाय करेक्टर, और कब तक गेट करूँगा जब तक इसको UF ना मिल जाए, यानी फाइल का एंड ना हो जाए जब तक, तब तक मैं डाटा वहाँ से फाइल से गेट करूँगा और CS में स्टोर करता जाऊँगा। और हर दफ़ा CS में जो वैल्यू गेट हुई होगी यानी जो करेक्टर गेट हुआ होगा वन बाय वन, वो उसको मैं यहाँ प्रिंट करता जाऊँगा। यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती, और जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती जो करेक्टर गेट होता रहेगा वो प्रिंट भी होता रहेगा, और लास्ट में हम इसको फाइल को क्लोज कर देंगे। ऐसे में इसको कंपाइलर रन करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंट हो गया। ये कंप्यूटर कहाँ से आया? ये उसी फाइल से आया जो test.txt नाम से बनी हुई थी। अगर इसमें और भी मौजूद होता डाटा तो वो भी यहाँ पे गेट हो जाता। जैसे मैं यहाँ पे वापस अपने पुट सी वाले फंक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर इसको कंपाइलर रन करता हूँ, लिखता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर गुड और मैं डॉट प्रेस कर देता हूँ। अब मेरी उस फाइल में उसी फाइल में डाटा और भी आ चुका है, तो मैं गेटिंग वाला फंक्शन दोबारा कंपाइलर रन करवाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आर गुड, यानी जो अपडेटेड डाटा होगा वो सारा गेट होगा जब तक जिसको ईएफ ना मिल जाए, और ईएफ तो ऑटोमेटिकली लास्ट पे फाइल के लास्ट पे पुट हो जाता है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन थे, एफ पुट सी और एफ गेट सी। एफ पुट सी का इस्तेमाल होता है करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को पुट करने के लिए फाइल में, और एफ गेट सी का इस्तेमाल होता है करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को गेट करने के लिए फाइल से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा को स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग पुट करने के लिए हम एफ पुट एस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ पुट एस फंक्शन का सिंटैक्स होता है, आप लिखते हैं एफ पुट एस स्ट्रिंग का नाम जिसमें आपने अपना डाटा स्टोर करवाया होता है और फाइल पॉइंटर का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक कोड किया है जिसमें हमने एफ पुट एस फंक्शन का इस्तेमाल किया है और ये नेम में हमारा डाटा पड़ा हुआ है और ये मेरा फाइल पॉइंटर है। अब इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास एफ पुट एस फंक्शन का ये प्रोग्राम है जिसमें हमने अकाउट फाइल पॉइंटर बनाया, नेम नाम की एक स्ट्रिंग बनाई जिसकी लेंथ 30 रखी, और एफ ओपन फंक्शन को ओपन किया और text.txt वाली फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, और फिर एक लूप लगाया। ये लूप हमसे 5 दफ़ा नेम लेगा यूज़र का, और हर दफ़ा क्योंकि लूप 5 तक चलेगा और हर दफ़ा आपसे पूछेगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और उसको गेट करेगा नेम में, गेट फंक्शन के जरिए उसको नेम में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद उसको एफ पुट एस फंक्शन के जरिए जो CH में यानी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एफ पुट एस का फंक्शन यूज होता था जिसमें नेम, यहाँ पे लिखेंगे नेम, और नेम में जो डेटा पड़ा होगा वो ऑल फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट वहाँ फाइल में पुट हो जाएगा। और यहाँ पे एफ पुट एस फंक्शन के जरिए मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन पुट कर रहा हूँ ताकि हर नाम जो है वो एक नई लाइन पे आए। जैसे मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूँ जी बिलाल, एंटर किया, फिर वो पूछ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो वकास, आदिल, खुर्रम और अली। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही नेम्स 5 दफ़ा लिख दिए, जैसे ही एंटर किया तो उसने प्रोग्राम को एग्जिट करवा दिया। सो नाउ इट मीन्स दैट कि वो मेरे पांचों नाम फाइल में स्टोर हो चुके हैं, एंड लेट्स चेक देम एंड आउट। सो ये वाली फाइल है तो मैंने ओपन किया तो देखें बिलाल एंड सोन, ये सारे नाम यहाँ पे पुट हो गए। अब दूसरा हमारे पास फंक्शन था रीडिंग करवाने वाला, यानी एफ गेट एस फंक्शन के जरिए हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डाटा को वापस गेट भी करवा सकते हैं, और इसका हमारे पास सिंटैक्स होता है एफ गेट एस स्ट्रिंग का नाम जिसमें आपने गेटिंग करवानी है और फाइल पॉइंटर, और इसके इस्तेमाल इस तरह से है जैसे यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एफ गेट एस फंक्शन के जरिए CH में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई और लेंथ उसकी रखी 30, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इन फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट जाके वहाँ से आपने स्ट्रिंग गेट करनी है, और हर स्ट्रिंग के एंड पे यानी जब स्ट्रिंग्स एंड हो जाती हैं तो नल करेक्टर होता है, तो तब तक गेटिंग करनी है जब तक ये नल ना हो जाए, यानी हर स्ट्रिंग के एंड पे नल करेक्टर ऑटोमेटिकली होता है। तो इट मीन्स दैट के ये लूप तब तक गेटिंग करेगा जब तक उसको नल करेक्टर ना मिल जाए, और ये हर दफ़ा जब गेटिंग करेगा तो CH में स्टोर करेगा और हम हर दफ़ा उसको CH को प्रिंट करवा देंगे और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं,
कंपाइल एंड रन किया तो देखिए बिलाल एंड वकास एंड सो ऑन, ये यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग्स फाइल में पड़ी हुई थी उसने सारी यहाँ पे प्रिंट करवा दी गेटिंग करवा के वहाँ से। तो ये हमारे पास एफ गेट एस फंक्शन था जो कि स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग फाइल से डाटा को गेट करता है और गेट करके स्टोर कर देता है, और एफ पुट एस फंक्शन है जो कि हमसे नाम लेता है और उनको वन बाय वन स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग सॉरी उसको फाइल में पुट कर देता है। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट आउटपुट दोनों क्लियर हो गए। ये पुटिंग फंक्शन है जो कि फाइल में डाटा पुट करता है और ये गेटिंग फंक्शन है जो डाटा गेट करता है लेकिन स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। और इसी तरह हमारा लास्ट वन रह गया है जिसमें हम फाइल में डाटा फॉर्मेटेड वे में भेज सकते हैं। फॉर्मेटेड वे से मतलब ये है कि हम इंटीजर्स या करेक्टर्स या स्ट्रिंग्स या फिर फ्लोट वैल्यूज हम उसको भेज सकते हैं विद मैसेजेस। तो उसके लिए क्या तरीका कार है, हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं और फाइल पॉइंटर का नाम देते हैं और अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट यानी राइट लिस्ट दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे एफ प्रिंट एफ आएगा और यहाँ पे फाइल पॉइंटर का नाम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट मार्क्स आर परसेंट डी और एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो ऑटोमेटिकली डाटा फाइल में पुट हो जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एफ प्रिंट एफ फंक्शन है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से फाइल ओपन वेरिफिकेशन करवाई और लूप लगाया, लूप 5 दफ़ा चलेगा और हमें हमसे रोल नंबर लेगा, मार्क्स लेगा और ग्रेड लेगा यूज़र का, और उसको स्टोर कर देगा यहाँ पे इन वेरिएबल्स में, और इन वेरिएबल्स से वैल्यूज़ को उठा के हम आउट फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट फाइल में पुट कर देंगे। लूप को 2 दफ़ा चला देते हैं, हम टाइम सेव करते हैं अपना और इसको कंपाइल एंड रन किया। देखें वो पूछ रहा है एंटर रोल नंबर मार्क्स एंड ग्रेड, तो रोल नंबर इज 1 एंड मार्क्स आर 23 एंड ग्रेड इज ए, सो एंटर। अगेन रोल नंबर 2 मार्क्स आर 50 एंड ग्रेड इज बी, सो एंटर। तो मेरे पास यहाँ 2 दफ़ा लूप चला और उसने डाटा मेरा फाइल में पुट कर दिया। अब फाइल को चेक करते हैं, ये हमारी फाइल थी तो इसको ओपन किया तो देखें जो डाटा था हमारा वो यहाँ पे 123A 250 एंड बी, तो ये मेरे पास फाइल में डाटा पुट हो गया। अब इसको गेट करवाना है तो एफ स्कैन एफ फंक्शन है, तो एफ स्कैन एफ फंक्शन के जरिए हम फाइल से डाटा गेट भी करवा सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये एफ स्कैन एफ का प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा गेट करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इफ फंक्शन लगा के फाइल ओपन वेरिफिकेशन करवाई, और अगर फाइल ओपन हो जाती है और ये ट्रू नहीं होता इफ, तो सारी बात है कंट्रोल एल्स पे आएगा और एल्स में आके हमने एक लूप लगा दिया। ये लूप एफ स्कैन एफ के जरिए डाटा लेगा और आउट फाइल पॉइंटर के अगेंस्ट जो फाइल पड़ी है वहाँ से, और वहाँ से कब तक लेगा जब तक उसको ई एफ ना मिल जाए, और हर दफ़ा जब गेटिंग करेगा तो उसको प्रिंटिंग भी करवा देंगे हम आर एन ओ को, मार्क्स को और ग्रेड को। यानी जारी बात है हर दफ़ा जब गेटिंग करेगा तो आर एन ओ मार्क्स और ग्रेड में स्टोर करेगा ना, तो जब ग्रेड में स्टोर करेगा तो हम उसको वहाँ से प्रिंट करवा देंगे, और ये लूप कब तक चलेगा यूएफ तक यानी एंड ऑफ फाइल। इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं, ये फाइल ओपन वेरिफिकेशन पर एरर दे रहा है और कह रहा है कि इन वॉज नॉट डिक्लेयर, सॉरी यहाँ पर मैंने आउट लिखा है और बाद में फाइल को आउट के अगेंस्ट काम करवा दिया, सो यहाँ पे भी इन कर देते हैं कंपाइल एंड रन। यहाँ पे आउट वॉज नॉट डिक्लेयर सो यहाँ पे भी हमें इन करना होगा, अगेन कंपाइल एंड रन। तो देखें फाइल ओपनिंग एरर है यानी फाइल ओपन नहीं हुई। टेस्ट डॉट टी एक्स टी एंड रीडिंग मोड में इसको ओपन किया हमने, और जब तक नल ना हो जाए तब तक, तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फाइल टेस्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से पड़ी हुई है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो देखिए हमारे पास से वो फाइल में डाटा पड़ा हुआ था 123A 250 एंड बी, तो वो डाटा यहाँ पे गेट हो गया। अगर हम यहाँ पे एफ प्रिंट एफ वाली फाइल में दोबारा आएँ और यहाँ पे इसको कंपाइल एंड रन करके, सॉरी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको लूप को 3 दफ़ा चला देता हूँ तो ये 3 दफ़ा अब हमसे डाटा लेगा। तो मैं कंपाइल एंड रन करके जब डाटा यहाँ पे रोल नंबर 1 का डाटा देता हूँ 50 और ए ग्रेड, रोल नंबर 2 का डाटा देता हूँ मैं 60 एंड बी ग्रेड, और रोल नंबर 3 का डाटा देता हूँ मैं यहाँ पे 90
और ए प्लस ग्रेड, तो ए ग्रेड दे देते हैं, ठीक है। सो ऐसे एंटर किया तो ये डाटा फाइल में पुट हो चुका है। तो एफ स्कैन फंक्शन के जरिए हम इसको दोबारा कंपाइलर में रन करवाते हैं, तो देखें वो तीनों रोल नंबर्स का डाटा यहाँ गेट हो गया। पहले दो रोल नंबर्स का था तो दो रोल नंबर्स का गेट हुआ, अब थ्री रोल नंबर्स का है तो थ्री रोल नंबर्स का डाटा गेट हुआ। तो ये हमारे पास मेथड थे डाटा को फाइल से रीड और राइट करवाने के। अगर आप राइटिंग करवाना चाहते हैं तो राइटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करें, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो रीडिंग फंक्शन का इस्तेमाल करें, अगर आप करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग या राइटिंग करवाना चाहते हैं तो एफ पुट सी एंड एफ गेट सी, अगर आप स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डाटा फाइल में पुट करवाना चाहते हैं या गेट करवाना चाहते हैं तो एफ पुट एस और एफ गेट एस, और अगर आप फाइल फॉर्मेटेड वे में यानी इंटीजर्स भी हैं और फ्लोट वैल्यूज भी हैं और करेक्टर वैल्यूज भी हैं मिक्सअप है तो वैसे डाटा पुट करवाना चाहते हैं तो एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ का इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस जिनके जरिए हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, फाइल में डाटा पुट कर सकते हैं, फाइल से डाटा गेट कर सकते हैं, करेक्टर बाय करेक्टर, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग एंड फॉर्मेटेड वे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।